नमस्ते, आज मैं फिर से आपके लिए एक और ज्योतिर्लिंग की कथा लाई हूँ। ये श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के बारे में है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। एतद यह शृणु यान्तीय नागेशोद्व मादरात सर्वान कामानियाद धीमान महापातक नाशनम। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके ही करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवाचन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति के दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध था, दुष्ट था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया था। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा और आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों को से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। तभी उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण गुस्से के स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा था। उसने तुरंत ही अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का उपदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य देव भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तुरंत ही उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान कर दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय भगवान शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को
नागों के देवता के रूप में माना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ होता है नागों का ईश्वर। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग के दर्शन की कथा एक बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की भी विभिन्न रोचक कहानियां हैं, जिसे सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है कि महात्माओं की कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से जीवन में कई किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर, नागों का देवता वासुकी जी भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वालों के लिए भी भगवान शिव जी की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित श्री विश्वनाथ का यह 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अगली ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।